बात कर लेते हैं देश में बारिश और बाढ़ के लेकर जो हालात हैं उसकी। 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी और गुजरात में कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं। नदियों के उफान से बाढ़ का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया। आप इन तस्वीरों को देखें, बिहार के मुजफ्फरपुर की तस्वीर है जहां पर लोग जो बच्चे हैं वो कितने ज्यादा परेशान है, इसी पानी से होकर के वो अपने स्कूल जा रहे हैं। इसी तरीके का जो हाल है वो 23 राज्यों में बना हुआ है। ये तस्वीर आप देखें, मुंबई के कई इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से मुंबई की जो रफ्तार है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई माया नगरी इस वक्त किस तरीके से पानी पानी हो गई है। कई जगहों पर हमने देखा, वसई से लेकर के इसके अलावा अंधेरी में भी ऐसी खबरें सामने आई जहां पर किस तरीके से जल भराव हो गया है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। भारी बारिश की वजह से मुंबई की रफ्तार धीमी हुई है। कुछ और तस्वीरें हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने वाले हैं। प्रयागराज यूपी की तस्वीर, मुंबई की तस्वीर, इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से हाल हो रखा है पुणे का। वलसाड़ गुजरात की तस्वीरें जहां पर डैम से पानी छोड़ा जा रहा है और इसका जो प्रभाव है वो जो निचले इलाके हैं उसमें देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले वक्त में भी अभी राहत नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से नदियां उफान पर है, बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी कि कैसे जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको ऊपर के इलाकों में शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जिनका जो संपर्क है वो इस वक्त जिला मुख्यालय से टूट चुका है। ऐसे इलाकों में लगातार प्रशासन की टीम पहुंच रही है, राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। सवाल मुंबई में इसलिए क्योंकि मुंबई में हर साल ऐसी तस्वीर सामने आती है जहां पर बारिश की वजह से मुंबई पूरी तरीके से लबालब पानी से भर जाती है। अब सवाल ये कि बीएमसी की तरफ से जल निकासी को लेकर क्या प्रबंध किए जा रहे हैं। आप देखेंगे मेन रोड पर भी जो ट्रैफिक की पुलिस के जवान हैं वो भी किस तरीके से एक दूसरे की सहायता करते हुए, वहाँ पर जो वाहन चालक हैं उनकी गाड़ियाँ बीच में रुक जा रही हैं तो ट्रैफिक पुलिस उनको मदद कर रही है। दूसरी तरफ आप देखिए पुणे में भी हाल ऐसा ही हो रखा है जहाँ पर लगातार बारिश की वजह से कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। वलसाड़ की बात करें तो वहाँ पर भी स्थितियाँ कमोबेश ऐसे ही बनी है। तो वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की बात करें जहाँ पर कई हिस्सों में एक हफ्ते के अंदर बाढ़ जैसे हालात वहाँ पर हो गए और जो बाढ़ का पानी है वो लोगों के घरों में घुस चुका है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, देखिए सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर के अंदर जो सामान रखा था पूरा ख़राब हो चुका है क्योंकि ये बाढ़ का पानी लोगों के घरों के अंदर घुस चुका है। और ऐसे में अब देखिए लोग जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ लोग छतों के ऊपर जाके रह रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। देखिए नाव का सहारा लोगों को लेना पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे अपना सामान लेकर यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो बारिशें कहा जा रहा है कि अभी ये रुकने थमने वाली नहीं है, हालात इसी तरीके से बने रहेंगे। और ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, आप पूरे देश भर के हालात देखिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, हिमाचल की बात कर लीजिए, जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, गुजरात में तस्वीर देख लीजिए, राजस्थान और इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, वहाँ पर भी इसी तरीके से हालात बने हुए हैं। तो लखीमपुर खीरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, लोग परेशान हो चुके हैं। लगातार सरकार की तरफ से भी मुआयना किया जा रहा है, चीज़ों को देखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो तमाम राज्यों के हाल इस वक्त बेहाल हैं। असम की बात करें तो वहां पर भी बाढ़ से लोगों का यहां पर जीना मुहाल हो चुका है। मोरीगांव की बात करें तो वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। मोरीगांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं, घरों में अब बाढ़ का पानी घुसने लगा है, सड़कों पर लोग रहने को मजबूर हो गए, अपना घर छोड़ने को लोग मजबूर हैं। लगातार बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर क्योंकि बढ़ रहा है और ऐसे में बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। घरों में पानी भरने के कारण लोग सड़क पर शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं, खासतौर पर वो इलाके जो निचले हैं वहां पर जलभराव हो चुका है और ऐसे में काफी ज्यादा समस्या हो रही है। रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो भी लोगों की पूरी नहीं हो पा रही। असम की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। रोज कमाने खाने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी ऐसे में होती है क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, असम में बाढ़ बारिश ने अब तक 109 लोगों की जान ले ली है। कछार, चिराग, दरांग में बाढ़ से भारी तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो जगह जगह से कुछ ऐसी ही तस्वीर बाढ़ को लेकर सामने आ रही हैं। 109 लोगों की मौत अब तक बाढ़ और बारिश के कारण हो गई। ना सिर्फ इंसान बल्कि मवेशियों को भी काफी ज्यादा परेशानी ऐसे में होती है, उनके जो रहने के स्थान है वो ऐसे में छिन जाते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी इस वक्त असम के लोगों को, 109 लोगों की मौत अब तक बाढ़ और बारिश के कारण हो गई है। कई ऐसे इलाके हैं जो पूरे के पूरे
जलमग्न हो चुके हैं, जहां पर पानी भर चुका है, खेतों में पानी भर चुका है, किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान ऐसे में हो रहा है, खड़ी फसलें जहां पर पानी भर चुका है और ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान किसानों को भी हो रहा है। नाव पर लोग सवारी करने को मजबूर हो चुके हैं, सड़कों पर रहने को लोग मजबूर हो चुके हैं। कुल मिलाकर पूरी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो चुकी है, रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही यहाँ के लोगों की। बढ़ते आगे बात चमोली की कर लेते हैं, जहां चमोली में मलबा हटाने का काम जारी। लैंडस्लाइड के बाद यातायात बाधित हुआ, लोगों की मुश्किलें बढ़ी और सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी है। तो सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी काफी वायरल हुई। देखिए रास्ते में फंसे हैं सैकड़ों लोग और चमोली से ये बड़ी जानकारी, जहाँ BRO NH-7 पर मलबा हटाने का काम जारी है BRO की तरफ से और सड़क भूस्खलन के बाद से वहां पर आवागमन बाधित हो गया है। तो ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देखिए, भारी भूस्खलन की वजह से किस तरह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है, सैकड़ों लोग वहां पर फंसे हुए हैं। तो उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन का वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, पलक झपकते ही देखिए किस तरह से जो पहाड़ी दरक कर सड़क पर आ जाती है और उसके बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ जाती है। लगातार वहाँ पर ये देखिए पहाड़ दरक रहे हैं रंजना, वहाँ पर लगातार क्योंकि बारिश हो रही है और ये JCB मशीन के जरिए जो मलबा आया है सड़क पर उसे हटाने का काम किया जा रहा है। और देखिए क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें पहाड़ी राज्यों से सामने आ रही है, लंबी कतार वहाँ पर गाड़ियों की लग गई है, मलबा सड़क पर है और अचानक से जो पहाड़ का हिस्सा है वो भरभराकर गिर गया, बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ पर आ गए। बिल्कुल बोलिए रंजना। देखिए ये तस्वीरें ड्रोन फुटेज जो कि हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है JCB के जरिए। हालांकि जो वहां से मलबा है उसे हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है, सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुजारा भत्ता को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा चैलेंज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देगा फैसले को चुनौती। दिल्ली में बैठक हुई और इसमें यह फैसला लिया गया। आपको याद होगा कि सर्वोच्च अदालत की तरफ से हाल में एक फैसला ये आया कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी गुजारा भत्ता की हकदार हैं। इसी को लेकर के जब ये बड़ी बैठक हुई AIMPLB की तरफ से, तो कहा गया कि शरीयत से मतभेद पैदा करता है गुजारा भत्ता, और इसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के यहाँ पर ये बात रखी गई है। यहाँ पर देखिए मेरे पास इस वक्त दैनिक जागरण है और दैनिक जागरण ने इस खबर को विशेष तौर पर तरजीह दी है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करार दिया। रविवार की बोर्ड की जो बैठक हुई थी इसमें यह कहा गया कि फैसला शरीयत से मतभेद पैदा करता है और गुजारा भत्ता मुस्लिम महिलाओं के लिए भीख है। बैठक में इस मसले को संगठन की कानूनी समिति को सौंपने का निर्णय लिया गया और भविष्य में कोई भी फैसला लेने के लिए संगठन के अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात नेपाल की करेंगे। तीसरी बार नेपाल के PM बनेंगे KP ओली। KP शर्मा ओली को अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। CPL, UML और नेपाली कांग्रेस ने तय किया है मंत्रियों के नाम। और आपको बता दें कि किस तरीके से आज सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी होना है और ऐसे में तैयारियां पूरी की गई है। केपी शर्मा ओली सोमवार को तीसरी बार नेपाल के PM पद के तौर पर शपथ लेने वाले। उन्होंने गठबंधन सहयोगी नेपाली कांग्रेस के साथ मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सोमवार को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ओली को शपथ दिलाएंगे। शुरुआती कैबिनेट जानकारी मिल रही कि छोटा रहने वाला है, बाद में इसका विस्तार होगा। और अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब ओडिशा से मिल रही बड़ी खबर की, जहां पर जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोला गया और न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी गई है। दैनिक भास्कर की बात करें तो फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी गई है। ताले तोड़कर खोला गया रत्न भंडार, आभूषणों से भरे हुए संदूक मिले। जगन्नाथ मंदिर का खजाना 46 साल के बाद खोला गया है। 1978 में आखिरी बार ये रत्न भंडार खुला था और उसके बाद अब कल ऐसा मौका था जब CCTV की निगरानी में इसको खोला गया। दोपहर 1:28 का समय इसके लिए तय किया गया था और ये पूरी प्रक्रिया शाम को 5:20 तक चली है। रत्न भंडार की सुरक्षा और आभूषणों की पारदर्शी जानकारी जनता की मांग थी। करीब 4.5 करोड़ जो लोग थे उनकी अस्मिता और हिंदू आस्था का सम्मान करते हुए रत्न भंडार को खुलवाने के लिए श्री मंदिर प्रशासन और डबल इंजन सरकार का अभिनंदन, ये बाद में रिएक्शन आया है सामने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। दरअसल सोर्सेस के मुताबिक बेशकीमती चीजें स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं और अब पुरातत्व विभाग बाहरी और आंतरिक कक्ष की इसमें मरम्मती करेगा। दोनों कक्षों का मुआयना कर लिया गया है। विभाग की तरफ से पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई है।
साथ ही साथ अस्थायी स्ट्रांग रूम को भी 2400 घंटे निगरानी में रखा जाने वाला है। ये नजारा बहुत ज्यादा मनमोहक था। सबके मन में डर के साथ खुशी भी थी कि इतने साल के बाद भंडार का क्या हुआ होगा। वहीं मुख्य प्रशासक पाढ़ी ने ये जानकारी दी कि आभूषणों की सूची बनाई जा रही है, सुनारों विशेषज्ञों की नियुक्ति पर सरकार की मंजूरी के बाद इसको किया जाएगा। हमारी प्राथमिकता खजाने के ढांचे की सुरक्षा है, रत्न भंडारों के कक्षों की मरम्मत के बाद सामान को वापस लाया जाएगा और उसके बाद फिर गिनती की जानी। तो फिलहाल अभी गिनती नहीं की जाएगी, बाद में इसकी गिनती की जाएगी। बाकायदे जो सुनार है उनको इसमें तैनात किया जाएगा, जो इसकी विशेषज्ञ उनको भी इसमें तैनात किया जाएगा। तो देखिए, इस पर भगवान जगन्नाथ सनातन संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीक है धर्मेंद्र प्रधान का ये स्टेटमेंट है। केंद्र शिक्षा मंत्री और ओडिशा से सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार खोले जाने पर आभार जताया है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा है कि महाप्रभु जगन्नाथ उड़िया स्मिता और स्वाभिमान सनातन संस्कृति और हिंदू आस्था के सबसे बड़े प्रतीक हैं। 46 वर्षों के बाद रत्न भंडार खुलवाकर मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया एक एक वादा पूरा किया और उन्होंने आगे लिखा कि रत्न भंडार की सुरक्षा और आभूषणों की पारदर्शी जानकारी दशकों से जनता की लंबित मांग थी और इसी का जिक्र उन्होंने पोस्ट में भी किया है। बढ़ते हैं आगे और अगली बड़ी खबर केरल से आपको बताएंगे, जहां केरल में खुदाई के दौरान मिला खजाना और गड्ढे से मिले 200 साल पुराने सिक्के। तो खुदाई के दौरान मजदूरों को खजाना मिला है, बात यहां पर केरल की, जहां पर आपको बताते चले कि सोने चांदी के सिक्के मिले हैं और मोतियों की माला भी यहां से मिली है। तो केरल की खबर है, जहां केरल में खुदाई के दौरान खजाना मिला है और खुदाई के दौरान मजदूरों को खजाना मिला, गड्ढे से मिले हैं 200 साल पुराने सिक्के। आगे बढ़ते हैं, आईसीएमआर के सर्वे में खुलासा हुआ है, एक साल बाद शुरू नहीं हुआ कंप्यूटराइज्ड प्रिस्क्रिप्शन। दरअसल आधे डॉक्टर लिखते हैं अधूरा प्रिस्क्रिप्शन, फॉर्मूले के नाम से लेकर दवा की खुराक में मिली है कमियां। तो देखिए किस तरीके से आईसीएमआर के सर्वे में ये बात का खुलासा हुआ है कि कंप्यूटराइज्ड प्रिस्क्रिप्शन का जो जिक्र किया गया था कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो रहा है और ऐसे में आप देखें जो दवा की खुराक है उनमें कमियां मिलती हैं, इस बात का जिक्र किया गया है। जो प्रोसेस में चीज़ें आनी चाहिए थी वो नहीं किया गया है। डॉक्टर्स को इससे पहले भी इस बात का निर्देश दिया गया था लेकिन उसको अनसुना किया गया है। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी अस्पतालों में 20% तक बढ़े हैं फ्लू के मरीज और ये अभी आंकड़ा कम है, जुलाई के अंत तक पीक पर होने वाले हैं मामले। डॉक्टर्स ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, संक्रमण को लेकर सावधानी बरतने की सलाह डॉक्टर्स की तरफ से दी जा रही है। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को भी सावधानी बरतने के आदेश दिए हैं। दरअसल डॉक्टर्स लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आप लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें। बात अगर करें हम आई फ्लू की, कंजक्टिवाइटिस जिसका खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है, आई फ्लू के चलते लोगों की आंख की पुतली की बाहरी परत और भीतरी परत में सूजन और दर्द का सामना करना पड़ता है और इसका नतीजा है कि दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में ओपीडी में आई फ्लू की समस्या से पीड़ित मरीजों की संख्या करीब 20% से ज़्यादा उसका इजाफा। इसमें डॉक्टर्स का कहना है कि जुलाई महीने के अंत तक आई फ्लू का पीक देखने को मिलेगा। ऐसे में डॉक्टर्स ने लोगों को संक्रमण को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। कुछ एक लक्षण है जो कि अगर आप में दिखते हैं तो आप तत्काल इसमें सतर्क हो रहे हैं। आंखें लाल होना, आंखों में सूजन आना, आंखों में खुजली मचना, दर्द होना, या इसके अलावा सुबह जब सोकर आप उठते हैं तो आंखों की जो पलकें वो चिपक जाना, आई फ्लू होने पर बुखार भी आ सकता है, लाइट के प्रति आंखों का संवेदनशील हो जाना, क्या क्या आप ना करें इन बातों का भी आप खासतौर पर ख्याल इसमें रखें। अगर आपको खुजली हो रही तो आप इसको मसले नहीं बार बार टच ना करें, डॉक्टर्स के परामर्श के बिना कोई दवा आप इसमें ना लें, भीड़भाड़ वाले इलाकों में आप ना जाएं, किसी से हाथ ना मिलाएं। इसके अलावा आई फ्लू होने पर तैराकी ना करें, स्विमिंग आप ना करें, बच्चों को आई फ्लू होने पर स्कूल ना भेजें। इसके अलावा कैसे आप बचाव इसमें कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप लगाते हैं तो लगाना बंद कर दें, धुंधलापन दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें। इसके अलावा हमेशा आपको साफ सफाई का इसमें ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। बढ़ते खबरों में आगे और इसी बीच बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान के बन्नू शहर में आत्मघाती धमाका हुआ है। फदाइन हमलावर ने आर्मी छावनी के पास धमाका किया, धमाके में कई इमारतें और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। तो पाकिस्तान आर्मी के छावनी के पास फायरिंग हो रही है, धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तो ये बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान के बन्नू शहर में आत्मघाती हमला हुआ है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां फिदाइन हमला और अभी भी वहां पर फायरिंग हो रही है। फिदाइन हमलावर ने धमाका किया है,
धमाके में कई इमारतें और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान के बन्नू शहर से, जहां पाकिस्तान के बन्नू शहर में आत्मघाती हमला हुआ। धमाके में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। तो पाकिस्तान के बन्नू शहर में आत्मघाती हमला और जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। फिदायीन हमलावर में धमाका हुआ है और धमाके में कई इमारतें और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच अभी भी फायरिंग वहां पर जारी है और कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तो पाकिस्तान के बन्नू शहर और ये खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है और इससे पहले भी यहाँ पर ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ पर जो ऐसे कट्टरपंथी संगठन है, आप देखिए उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है इस पूरे क्षेत्र में और इसी वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर ऐसी जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। जाहिर है कि चिंता की बात भी है। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दिल्ली मेट्रो की, जिसका ग्राहक संतुष्टि सर्वे आज से शुरू होगा। 14 अगस्त तक ये जो सर्वेक्षण है वो चलने वाला है। सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दरअसल सलाह मांगी जा रही है, दिल्ली मेट्रो यात्रियों से सलाह मांगी जा रही है, सुझाव मांगे जा रहे हैं। फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होंगे। सर्वे में 7 विषय शामिल होंगे। तो अगर आप दिल्ली मेट्रो से संतुष्ट हैं तो आपको इस सर्वे में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए और आपको अपनी राय ज़रूर बतानी चाहिए। अगर कुछ कमियाँ हैं तो आप इस सर्वे में ज़रूर बता सकते हैं। पलक, बिल्कुल, अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो यात्रियों से सलाह और सुझाव मांग रही है। और इसमें जैसा कि प्रिया ने बताया कि फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे। 7 विषय इसमें शामिल होंगे जिन पर यात्रियों से प्रतिक्रिया मांगी गई है। यात्री मेट्रो रेल की कार्यप्रणाली जैसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे कि ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाएं, सूचना, सेवा की गुणवत्ता, ग्राहक सेवाएं, मेट्रो स्टेशन का बाहरी वाला जो इलाका होता है वो, सुरक्षा, संरक्षा और कम्फर्ट, इस पर अपना रिएक्शन आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो एक आधिकारिक वेबसाइट है इस पर आप जाएं, वहां पर होम पेज पर दिए गए सर्वे लिंक पर आप क्लिक करें और जो भी आपके इनपुट्स हैं आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो ये जानने के लिए सर्वे का आयोजन कर रही है ताकि जो यात्रियों को सुविधाएं दी जाती हैं उसके बारे में यात्री क्या सोचते हैं या फिर क्या और ज़्यादा इसमें बेहतर हो सकता है। सर्वे के परिणाम से प्राप्त फीडबैक के आधार पर मेट्रो की सुविधाओं, सेवाओं में आवश्यक घटकों का आकलन करने के बाद उसमें सुधार करने में सहायता मिलेगी और ये सर्वे चलने वाला है 14 अगस्त तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे आगे बढ़ते हुए और ये बात होगी अब रेलवे स्टेशनों की। बिल्कुल, देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है। मेट्रो में सुरक्षा सेवाएं कैसी हैं ये फीडबैक आप दे सकते हैं और बताया गया कि मेट्रो में सुरक्षा कैसी है, मेट्रो की सभी सेवाएं कैसी है और ये सभी जानकारी अब यात्री दिल्ली मेट्रो द्वारा 15 जुलाई से 14 अगस्त तक 10वें ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2024 में दे सकेंगे ताकि मेट्रो सेवाओं और सुविधाओं पर फीडबैक जुटाकर सुधार किया जा सके, यात्रियों की जो सुविधा है उसे बढ़ाया जा सके। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि एक व्यापक प्रश्नावली के साथ व्यक्तिगत सर्वेक्षण में भाग लेने के इच्छुक यात्री DMRC की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और वे वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने इनपुट जो है वो दे सकते हैं। सर्वे फॉर्म अंग्रेजी और हिंदी भाषा में दोनों में उपलब्ध हैं और सर्वेक्षण में 7 विषय शामिल हैं जिन पर प्रतिक्रिया मांगी गई और सभी विषयों पर प्रतिभागियों द्वारा भरे जाने के लिए सर्वेक्षण लिंक केवल 1 महीने के लिए DMRC की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। कृति, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य खबरों की बात करते हैं। स्टेशनों की सुरक्षा को लेकर तैयार हो रहा है रोडमैप, गृह मंत्रालय तैयार कर रहा है रोडमैप, आतंकी वारदात, इसके अलावा अग्निकांड से निपटने की कोशिश इसमें होगी, प्रयास किए जा रहे हैं, भगदड़ जैसे स्थिति से निपटने के भी प्रयास होंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसकी शुरुआत की जाएगी जिसमें सभी बड़े स्टेशनों पर जो स्टेशन है वहाँ पर ये व्यवस्था लागू होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय इसको लेकर बाकायदा रोडमैप तैयार कर रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बताएंगे, फर्जी हो सकती है आपको मिली हुई सरकारी ई नोटिस, गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी को लेकर जारी की है और आगाह किया है फर्जी ईमेल से आप सतर्क रहें। इसके पहले भी कई दफा इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, फर्जी कॉल्स अब तक आपने देखे होंगे, लेकिन अब फर्जी ईमेल्स की भी जानकारी मिल रही है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की और आगाह किया कि अगर आपको कोई ऐसे मेल आते हैं तो पहले आप उसकी पुष्टि करें और उसके बाद फिर आप उस पर विश्वास करें। बढ़ते आगे, रॉकेट लॉन्च करते गड़बड़ा गया था दूसरे चरण का इंजन और स्पेस एक्स के रॉकेट ने गलत ऑर्बिट में छोड़ा, 20 सैटेलाइट वायुमंडल में जलकर होंगे नष्ट और स्पेस एक्स की हालिया रॉकेट लॉन्चिंग नाकाम हो गई और इसे लेकर ये पूरी जानकारी सामने आई है। उत्तर कोरिया में 30 छात्रों की हत्या का मामला सामने आया, दक्षिण कोरियाई टीवी शो देखने पर हत्या। दक्षिण कोरिया के पेपर जोंग आंग डेली ने दावा किया है दक्षिण कोरिया सरकार ने रिपोर्ट को खारिज हालांकि कर दिया है, लेकिन ये मामला
अपने आप में हैरान कर देने वाला है, जिसमें कहा गया कि 30 स्टूडेंट्स की हत्या सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि वो टीवी शो देख रहे थे। हालांकि सरकार की तरफ से इन तमाम आरोपों को, इन तमाम दावों को खंडित कर दिया गया है। सरकार ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, लेकिन ये मामला इस वक्त सुर्खियों में है। आगे बढ़ते हैं, बात फैक्ट फाइल की करेंगे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का आज जन्मदिन है और ऐसे में अहमदाबाद नगर निगम के वो अध्यक्ष पहले रहे हैं, इसके बाद उपाध्यक्ष भी वो बने, शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी वो रहे हैं। 2017 में घाट लोड़िया सीट से विधायक वो बने। इसके अलावा आपको बता दें कि किस तरीके से 2021 में पहली बार गुजरात के सीएम भी वो बने, 2022 में दूसरी बार गुजरात के वो सीएम बने और बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली हैं पद पर रहते हुए। तो घाट डोलिया सीट से वो 2017 में विधायक बने हैं, 2021 में बात करें तो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी उनकी तरफ से निभाया गया, 2022 में दूसरी बार गुजरात के सीएम वो बने। तो भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री का जन्मदिन आज है और उनको उनकी छवि की वजह से जाना जाता है। कहा जाता है कि कभी भी सड़कों पर वो निकल जाते हैं, लोगों के साथ चाय पीते हैं, कभी भी झाड़ू मारना शुरू कर देते हैं सड़कों पर, और आज उनका जन्मदिन है और इसी के बारे में फैक्ट फाइल आपको लगातार हम बता रहे हैं।